नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहारियों को लेकर के। दरअसल बिहारी कई राज्यों में फंसे हुए हैं और लगातार उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आरोप ये है कि उन श्रमिकों से, यानी कि उन बिहारी मजदूरों से सरकार और रेलवे जो है टिकट वसूल रही है। इसके बाद कांग्रेस ने कई जगहों पर ट्रेनों का इंतजाम किया, तो दिल्ली सरकार जो है उसके तरफ से विशेष ट्रेनें जो हैं बिहार के लिए भेजी गईं और कहा गया कि पूरा खर्चा बिहार सरकार के जगह दिल्ली सरकार वहन करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि वो जो हैं उनकी पार्टी बिहारियों की आवाज़ उठाती रहेगी और हर मुसीबत में फंसे बिहारियों के लिए हर संभव मदद पहुंचाएगी। और JDU के जो मंत्री हैं, यानी JDU कोटे से जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बेवजह इन तमाम चीज़ों पर कांग्रेस या फिर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। अब डबल इंडो में सुनिए इन दोनों के बयान, किस तरीके से बिहारियों के नाम पर बिहार में छिड़ गया है सियासी संग्राम। विद्यालय के राजनैतिक पाठशाला में ज्ञान ग्रहण करने वाले नैतिकता और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ज्ञान का आतंक फैला रहे हैं। माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी, संविधान के अनुच्छेद 164(4), जिसकी विधिवत व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में हरशरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह 16 मार्च 1971 के संविधान पीठ के न्यायिक आदेश में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न रहते हुए भी मंत्री पद पर रह सकता है। हम लोग राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति के पाठशाला में है, जहां भ्रष्टाचारी अपराध और कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए हम जाने जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को पोषित कर करके सेकुलरिज्म की लड़ाई का नाटक करना, राजनीति को धन सृजन का माध्यम बनाना और भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान करके कैदी नंबर 3351 के सामने दंडवत होने वाले लोग राजनीति में प्रवचन देना बंद करें। 5 ट्रेन तो कांग्रेस पार्टी ने भेजा, 2 महाराष्ट्र से, 1 वर्धा से पटना और नागपुर से मुजफ्फरपुर, जिसका भुगतान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र ने किया। गुजरात के भरूच जिला से 1 ट्रेन आई है, उसका भुगतान जिला कांग्रेस कमेटी भरूच ने किया। और पंजाब से 2 ट्रेन आई, दिल्ली से भी 1 ट्रेन आई है। तो बिहार सरकार इस पूरे मामले में कहीं दिख नहीं रही, सिर्फ बयान देना और कहना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे। अब अगर इतना ही आपने किया है तो सिर्फ क्वारंटीन सेंटर पर आप मीडिया को जाने क्यों नहीं गए? आपने उस पर पाबंदी क्यों लगा दी? क्योंकि आपने कोई अरेंजमेंट नहीं करके रखा है। लोगों को बुलाना आपके एजेंडा में था, आप अंत अंत तक मना किए कि हम किसी को नहीं लाएंगे। ये विपक्ष का इतना दबाव बढ़ा कि मजबूरी में आपने कोटा एवं स्थानों से लोगों को आने की अनुमति दी, लेकिन जो वादे किए गए थे कि ट्रेन के किराया देंगे, मुफ्त हम लाएंगे, वो आप नहीं कर पाए। और हमारा सवाल तो ये है कि आपने सभी विधायकों के 1 माह का वेतन जोड़ लीजिए, उनके ऐच्छिक को ये जो नया मामला आया है दिल्ली से, किसी सदन के सदस्य अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी को भी मंत्री मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और ना ही कोई संवैधानिक छूट मिली है। तो बिहार के ये दोनों मंत्री 6 मई के बाद आज भी मंत्रिपरिषद में बने हुए हैं, यह खुल्लम खुल्ला अनैतिक आचरण है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। मैं समझता हूँ कि जो संविधान का 164वां आर्टिकल में प्रोविजन है वो ये कहता है कि आप मंत्री बनने के समय सदन के अगर सदस्य नहीं भी हैं तो 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं और ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, किसी को भी बना। यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, यहाँ सदस्य रहते हुए इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अगर सदस्य नहीं रहते तो शामिल नहीं होते, और ये 11 महीने से दोनों मंत्री हैं और उनका सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, तो 6 मई के बाद 1 सेकंड के लिए भी इन लोगों का मंत्रिपरिषद में रहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय के ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों को का सुनिश्चित हो, उसका सही ढंग से पालन हो।